वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, रवि दुबे और सरगुन मेहता के न्यू सीरियल जुनूनियत ने अपनी प्रोमो से ही हर तरफ हिलका मचा दिया है। फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस सीरियल की कहानी होगी कैसी, इन तीनों के किरदारों की कहानी किस तरह की होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस खास वीडियो से कि जुनूनियत सीरियल में इन तीनों ही करेक्टर्स का पूरा बैकग्राउंड कैसा होने वाला है और इन तीनों का एक दूसरे के साथ पहला इंटरेक्शन, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से पहली बार किस तरह से मिलेंगे। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जुनूनियत सीरियल में आपको नेहा राणा का किरदार इलाही के नाम से नजर आएगा। इलाही एक ऐसी लड़की है जो गरीब परिवार से आती है और वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती है और कॉलेज में उनके एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है जिसमें वो अपना नाम देती है और ये एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है जिसके जरिए पूरी दुनिया में उसकी आवाज की छाप छूटने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं जहान, जिसका किरदार अंकित गुप्ता निभाएंगे। अंकित एक ऐसे सिंगर हैं जो हर तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना जानते हैं। वो हमेशा अपनी प्यार की तलाश में और अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। थोड़े से खुश मिजाज और इंट्रोवर्ट काइंड के लड़के नजर आ रहे हैं यहाँ पे अंकित गुप्ता। दोस्तों, अंकित ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को साफ भी किया था कि जो करेक्टर अंकित निभाने वाले हैं वो उनके रियल लाइफ से टोटली अपोजिट है। रियल लाइफ में उन्हें म्यूजिक का जीरो नॉलेज है, लेकिन इस किरदार में उन्हें टोटली एक ऐसे म्यूजिशियन का किरदार निभाना है जो म्यूजिक की ABCD बहुत ही अच्छे से जानता है। तो वहीं तीसरी तरफ गौतम सिंह विक आपको शो में एक एटीट्यूड रैपर के तौर पर नजर आने वाले हैं, जो अपने म्यूजिक को लेकर पागल हैं और अपने घर वालों से अपने म्यूजिक को लेकर हमेशा ही लड़ते रहते हैं। गौतम सिंह विक रैप करेंगे लेकिन हमेशा ही अपने घर वालों से ताने सुनते रहेंगे। गौतम अपने परिवार को हमेशा ही उल्टा जवाब देते हैं और उनकी पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में बसती है। ऐसे में इन तीनों का पहला इंटरेक्शन होगा जब गौतम सिंह विक के साथ हो जाएगी यहाँ पे इलाही की बहुत बड़ी लड़ाई। गौतम इलाही के इंसल्ट कर देगा और उसकी इस इंसल्ट को जो हमारे प्यारे से अंकित यानी कि जहान है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जहां नेहा राणा और जहान को पहली नज़र में प्यार होता हुआ दिखाया जाएगा, तो वहीं काम के सिलसिले में जो नेहा राणा यानी कि इलाही है उनकी डोर बंद जाएगी और किसी के साथ नहीं बल्कि जॉर्डन के साथ यानी कि गौतम सिंह विग, और शुरू होगा एक बहुत इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हैं हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।